हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे 2016 का, और सेक्शन ए को हम कवर कर रहे हैं और बाकी जो सेक्शन बचे हुए होंगे उनको हम पेन और कॉपी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पे उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या बोल रहे हैं कि अंडर रूट तीन एक क्या है। हर किसी को पता है कि अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी अंदर एक अभाज्य संख्या और उसके बाहर अंडर रूट लिखा हो तो वो हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। सो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा नंबर वन, परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन सा सही होगा? गौ नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ होती हैं। दो, एक, तीन, अनंत। सो देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, यह हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो मूल्य होंगे। देखो, जब विवेचक शून्य होते हैं, यानी कि डी का मान जब जीरो होते हैं, तो जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और समान होता है, है ना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा, वास्तविक और समान। अगर डी का मान जीरो से ज़्यादा होता तो मूल वास्तविक होते और असमान होते, और अगर डी का मान जीरो से कम होता, नेगेटिव आता, तो मूल अवास्तविक होता, ये हम लिखते। नंबर फोर पे है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो, अर्धगोला ये हुआ आपका, है ना, यहाँ से लेकर 2πr² और ये वाला जो होता है ये कितना होता है, πr², जब आप जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, 3πr². सो इसका जो आंसर होगा वो खा नंबर हो जाएगा, 3πr². नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। परिधियों का अनुपात दे रखा है, देखो 2πr1/2πr2, माना हमें दे रखा है 2:3, 2π से 2π कटा, r1/r2 बचा 2:3। सो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर ख। कह रहे हैं बिंदु -4.3 किस चतुर्थांश में है। देखो, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x डैश, इधर x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। सो x नेगेटिव इधर गया, फिर ऊपर गया, यानी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, यानी कि द्वितीय में होगा। देखो, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सो आपको पता है ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, तो ये दिखने में एक समान है, तो ये समरूप है, बराबर थोड़ी ना है। ठीक, आंसर आपका समरूप हो जाएगा। हमारे पास आठवें क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखी हैं, तो बोल रहे हैं सम संख्या की प्रायिकता क्या है। सम संख्या कितने हैं इसमें, 2, 4, 6, कहाँ तक, 10 तक, यानी कि गिनोगे ना आप तो कितने हैं, 5 संख्या हैं, और टोटल संख्या कितनी है हमें, 10। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 10, यानी कि 1/2, 5 से ऊपर नीचे काट दोगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। सो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो ये ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन की मैं गलत दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10a = होता है, आपको फार्मूला बताएं, cot 90-a क्या होता है, 10a। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, cot 90-a, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, कौन नंबर। सो 10वें क्वेश्चन में पूछा है cosec² = होगा, किसके बराबर होगा cosec², ये हमसे पूछा है, cosec² किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो गौ है वो सही हो जाएगा, क्योंकि sin² + cos² मान 1 होता है, और 1 - cosec² क्या होता है, sin², और sin ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosec, है ना।
क्योंकि वन अपॉन साइन कॉसेक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं जमीन पर स्थित किसी दो बिंदुओं की दूरी क्रमशः ए और बी है, जो कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, 30 और 60 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली हमें पास क्या चाहिए था, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। यह है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 60 है। इसको पेन कॉपी में ही करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे हो नहीं पाएगा। और ये मीनार की ऊंचाई हमने एच मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से तक की दूरी बी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो शायद खा नंबर आएगा अनरूड है भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कर रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन को ना प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ कॉपी पेन में समझा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होती है बराबर, ये हमारे पास वृत्त हैं प्रमेय 10.2। क्या कहती है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। सो ऑप्शन नंबर क्या होगी, क नंबर बराबर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आकृति में पी ओ क्यू का मान होगा। आकृति कहाँ दे रखी है इसमें भाई, आकृति तो दे ही नहीं रखी, बताने कहाँ है, किसकी बात कर रही है ना। सो हम बता ही नहीं सकते, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी हैं इस पीडीएफ में, सो उसके आई एम सॉरी। नंबर 14 में आ जाओ, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण, देखो किसी वृत्त की व्यास, ये वृत्त का व्यास है, के सिरों के बिंदुओं पर, ये सिरों के ये बिंदु हैं है ना, ये बिंदु है, इनसे खींचा गया स्पर्श रेखाओं द्वारा जो कोण बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पर इधर 90 बनता है और 180 बनता है, तो संपूरक लिख देना, संपूरक होता है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना है, केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा आप मेथड निकालेंगे कि वो सही पैमाना दे दे केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का, तो वो आंकिक मान जो होता है पड़ोत विधि, वही सही पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, असंगत समीकरण का हल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, असंगत समीकरण का हल कुछ भी नहीं होता, आप लिखोगे कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, नहीं लिख देना यहाँ पर सॉल्व पे। ठीक है, संपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, आपको पता होगा संपाती के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर, तो ही उसे हम संपाती बोलते हैं। ठीक है, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, एन धन पूर्णांकों का योग, ये तो फॉर्मूला ही हुआ एन एन प्लस वन बट्टा दो। ठीक है, शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं अचर बहुपद, शून्य घात वाले बहुपद होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, ये लिख देना। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य सॉरी 20वां क्वेश्चन, प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको दो तरीके से हो जाता है, मैंने इसको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब 21 से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो 2 मार्क्स के हैं, और उनको हम इसमें कर नहीं पाएंगे, उसको हम पेन कॉपी से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। ठीक है, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।